ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की पार्टिसिपेटरी। सो हरियाणा विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों की घोषणा भी हो गई है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से और अन्य पार्टियों की तरफ से भी। कुछ बड़े नाम जो अभी हमारे साथ सामने आए उसमें से एक बड़ा नाम था विनेश फोगाट का, जिनको जुलाना से कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो चुनाव लड़ेंगी। और दूसरा नाम जो हरियाणा की राजनीति का बहुत बड़ा नाम हमेशा से माना जाता रहा है और वो जगह भी बहुत इम्पोर्टेंट रही है, वो है बंसी लाल जी की फैमिली। बंसी लाल जी का खुद का नाम और बंसी लाल जी की फैमिली, अगर हम देखें तो पिछले 13 साल से तोशाम की जो सीट है वहाँ से उन्हीं के परिवार से कोई ना कोई चुनाव जीतते आया है इस विधानसभा चुनाव में। इस बार उसी सीट से बंसी लाल जी के ही फैमिली से एक नाम को टिकट दिया गया है जिनका ये पहली बार चुनाव होगा, वो नाम है अनिरुद्ध चौधरी का। अनिरुद्ध चौधरी के नाम से आप सब लोग वाकिफ हैं और जो नहीं वाकिफ है मैं उनको वाकिफ करा दूं, बता दूं कि अनिरुद्ध चौधरी कौन है। अनिरुद्ध चौधरी रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं और अनिरुद्ध चौधरी की खुद की कैपेसिटी अगर देखी जाए तो वो BCCI के जो है अधिकारी रह चुके हैं, वो IPL में भी के ऑफिशियल्स में के उसमें भी वो रह चुके हैं। BCCI के वो एक टाइम पे ट्रेजरार हुआ करते थे, अभी भी उनका जो है आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो BCCI के साथ रहती हैं। लेकिन इस बार उनको कांग्रेस ने वहाँ से चुनावी टिकट दिया है, चुनाव के मैदान में उतारा है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों हो गया है? इंटरेस्टिंग इस वजह से भी हो गया है क्योंकि एक ही परिवार के दो लोगों को इस बार चुनाव में आमना सामना करना है। पहला नाम अनिरुद्ध चौधरी जो कि कांग्रेस की तरफ से होंगे, दूसरा नाम है श्रुति चौधरी जो कि BJP की तरफ से होंगे और ये दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। बंसीलाल जी के परिवार के रूट से अगर हम सबसे ऊपर बंसीलाल, उनके बाद अगर हम देखेंगे तो ये ग्रैंड चाइल्ड से होंगे। सो ऐसा है मामला। इस बार अनिरुद्ध चौधरी जो है चुनाव लड़ रहे हैं तोशाम से, उनके सामने होगी BJP की कैंडिडेट श्रुति चौधरी। अब आज जो है उनका नॉमिनेशन भी अनिरुद्ध चौधरी का फाइल होना है। तो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी वहाँ पर मैं मौजूद था, मैंने देखा कि काफ़ी जो है वो ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनको अपनी चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। और इस फैमिली का अगर हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देखें तो वो कांग्रेस के लिहाज से काफ़ी बड़ा माना जाता है और ये सीट तो उनकी होम टर्फ मानी जाती है। अगर आप क्रिकेट की भाषा में या फिर खेल की भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो फॉर एग्जांपल कोई अगर अपने कोई टीम अगर जैसे इंडियन टीम है वो अगर अपने इंडिया में मैचेस खेलती है तो हम उनको एडवांटेज देते हैं, वैसे ही ये जो सीट है यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी के लिए एक होम एडवांटेज हो सकता है क्योंकि इस सीट पर उनकी फैमिली का और कांग्रेस का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रहा है। तो इस बार चुनावी मैदान में ये दो लोग जो है आमने सामने हैं, एक ही परिवार के, एक तरफ होंगी होंगे अनिरुद्ध चौधरी और दूसरी तरफ होंगी श्रुति चौधरी। तो ये दो जो है नाम एक ही परिवार के इस बार आमने सामने हो रहे हैं और वहाँ से जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल जहाँ एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।